एक चीज वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो कम्प्लीटली न्यूट्रल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी। केवल क्रिटिसाइज करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को हम क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि हमारा स्ट्रांगली मानना है, ना ही किसी यूनिवर्सिटी का बिना मतलब का हम तारीफ करते हैं, ठीक है। जो रियलिटी है वो बताने की कोशिश करेंगे हम। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के इस नए एपिसोड में। आज हम हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने। हमारी कोशिश ये है कि जो भी बच्चे गलगोटिया यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हैं एडमिशन के लिए और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, आज सारे के सारे डाउट्स हम इस वीडियो के थ्रू कवर कर पाएँ, ठीक है, और रिजॉल्व कर पाएँ। जो रियलिटी है वो बताने की कोशिश करेंगे हम। हमने जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया, कोशिश की कि वो कैमरे पे आएँ, बट स्टूडेंट्स ने मना किया कैमरे पे आने से। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ज़रूर हमसे बातें की और काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ। उनका कंसर्न भी हम समझ रहे हैं, जो कि कोई भी बच्चा जो अभी यहाँ पढ़ाई कर रहा है वो नहीं चाहता है कि वो वीडियो पे आए और डिस्कशन करे, क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई ऐसी बात वो बताता है ऑन कैमरा तो उस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो हमने उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की पूरी, और जो इन्फॉर्मेशन और जो इनसाइट्स हमें बच्चों से मिले हैं उसके बेसिस पे हम ये एक रिव्यू वीडियो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट वाइज कवर करते चलेंगे। पहली चीज़, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए डोनेशन मांगते हैं। आपको बहुत सारे कंसल्टेंट्स का कॉल आता होगा, तो पहली चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको कोई डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एक रुपये भी आपको डोनेशन नहीं देना होता है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे डिमांड करे डोनेशन का तो आपको सीधे मना कर देना है, क्योंकि सीट्स बहुत हैं, सीट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों ने बताया, आपको कोई डोनेशन नहीं देना है। कोर्सेज के क्राइटेरिया आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैक्सिमम कोर्सेज का यही है, आपके क्लास 12th में 50% नंबर होने चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी यही है, आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से जाके फिल करो, एंड देन आप चाहो तो आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो या आप डायरेक्टली कैंपस आके एडमिशन ले सकते हो। कोशिश करो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, अदरवाइज बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपसे एडमिशन के लिए डोनेशन मांगना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू को। तो पहला क्वेश्चन जो हमने पूछा बच्चों से, पहला क्वेश्चन ये था कि जो फैकल्टीज यहाँ पढ़ा रही हैं उनका ओवरऑल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, क्या उनके पास इंडस्ट्री रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी है या नहीं है। बच्चों का जो रिस्पॉन्स था वो मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। कुछ फैकल्टीज़ हैं जिनके पास इंडस्ट्री रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, कुछ फैकल्टीज़ हैं जिनके पास इंडस्ट्री रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है। अप्रोचेबल हैं फैकल्टीज़, आपको इनिशिएटिव लेना होता है, आप जाके उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो। तो अप्रोचेबल फैकल्टीज़ हैं, ये एक फीडबैक रहा बच्चों का। दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा कि यहाँ जो करिकुलम है वो क्या इंडस्ट्री लिंक्ड करिकुलम है, क्योंकि आज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा या जो भी कंपनीज हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हमें जो बच्चे जब हम हायरिंग के लिए जाते हैं बच्चों के पास तो हमें वो स्किल्स नहीं मिलते हैं बच्चों में जिनकी आज इंडस्ट्री में डिमांड है। तो हमने पूछने की कोशिश की या हमने समझने की कोशिश की कि क्या यहाँ जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं उन कोर्सेज को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको कैटर किया जा सके। तो बच्चों का जो फीडबैक था वो ये था कि हाँ, कुछ कोर्सेज वैल्यू एडेड कोर्सेज, कुछ एडिशनल कोर्सेज ऐसे पढ़ाए जाते हैं जिनके थ्रू उस स्किल गैप को पूरा किया जा सके, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना है बच्चों का कि अभी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं लेकिन बहुत कुछ किया जाना ज़रूरी है। तो हमारी इस वीडियो के थ्रू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये डिमांड है, हम चाहेंगे कि आप एक डिटेल्ड एनालिसिस करो जो इंडस्ट्री में क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और वही स्किल्स बच्चों को पढ़ाई जाएं। तो ये मिक्स फीडबैक रहा बच्चों का कि कुछ वैल्यू एडेड कोर्सेज के थ्रू उस स्किल गैप को ब्रिज करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा क्वेश्चन, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये प्लेसमेंट की डिटेल्स। जिन बच्चों से हमने इंटरेक्ट किया वो जनरली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे थे, तो उनका ये कहना था कि कॉलेज के कंपेरिजन में यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा कम है। उनका मतलब सीधे सीधे ये कहना था कि जो गलगोटिया कॉलेज है उसका प्लेसमेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। बट ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती है, बट आपको प्रोएक्टिव होना होगा और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। तो ओवरऑल इन जनरल एक मिक्स्ड फीडबैक रहा बच्चों का प्लेसमेंट्स के टर्म्स में, ठीक है। हाँ, बच्चों ने डेफिनेटली ये कहा कि बहुत सारे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं यहाँ पे ताकि बच्चे को एक जॉब रेडी बनाया जा सके। और बहुत सारे मतलब एक बच्ची मिली थी जो बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी कर रही है इनफैक्ट, और एक बच्ची बीबीए के लिए बीबीए कर रही है यहाँ से। तो उनका ये कहना था कि वर्कशॉप बहुत फ्रीक्वेंट है जिससे कि बच्चे को इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलता है और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये जानने को मौका मिलता है।
फिर हमने कोशिश की कि ये पूछने की कि क्या यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्रियल टाइप्स भी है। तो बच्चों का ये कहना था, एक बच्ची जो बीएससी केमिस्ट्री कर रही थी, उनका ये कहना है कि डेफिनेटली बहुत सारे इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं, बच्चों को एक्टिव होना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है, तो इंडस्ट्रियल विजिट्स भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ये बच्चों का कहना है। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ का क्या है। इंटर्नशिप वाले पे मिक्स फीडबैक मिला हमें बच्चों का। कुछ बच्चों का कहना था कि इंटर्नशिप्स कुछ बैचेस में मिलता है, मतलब कुछ कोर्सेज में इंटर्नशिप्स मिलती हैं, कुछ बैचेस में इंटर्नशिप्स नहीं मिलती है, जो ओवरऑल हमारा फीडबैक यहाँ पे है। तो इंटर्नशिप का ऐसा है कि मतलब मिक्स्ड फीडबैक ही हमें बच्चों से मिला इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन था कि क्या एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन है गलगोटिया का। तो बच्चों का ये कहना था, और जो वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हो, इनके कोलैबोरेशंस हैं कुछ। हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी से हम डायरेक्टली बात करें कि किस तरीके का कोलैबोरेशन है इनका अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये समझने की कोशिश करें कि किन टॉपिक्स पे या किन पॉइंट्स पे इन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है और क्या बेनिफिट्स बच्चों को मिल रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल जो हमने बच्चों से पूछा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को किस तरीके से कॉलेज सपोर्ट करता है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कैंपस जो है वो बहुत बड़ा कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। लोकेशन अगर आप देखो तो लोकेशन शहर से बहुत बाहर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग से यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, इस पर बच्चों में बहुत क्लैरिटी नहीं थी। बच्चों का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी काम कर रही है उस डायरेक्शन में एक्सपीरियंशियल लर्निंग इंश्योर करने के लिए, बट अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है बच्चों के पास कि किस तरीके से इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। फिर हमारा सवाल था कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। तो बच्चों का फीडबैक अच्छा रहा, बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पे जिनमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते रहते हैं, काफ़ी फेमस है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपने फेस्ट के लिए। तो ओवरऑल मिक्स्ड फीडबैक रहा, और अगर कहें तो अच्छा फीडबैक रहा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चूँकि कुछ बच्चों ने बताया कि कॉम स्किल्स के लिए भी अलग से कोर्सेज हैं और कुछ क्रेडिट पॉइंट्स भी ऐड किए गए हैं। स्टार्टअप सेल के बारे में भी हमने पूछने की कोशिश की कि स्टार्टअप सेल्स हैं या नहीं है यहाँ पे। बच्चों का कहना है कि कुछ इनिशिएटिव्स अब लिए जा रहे हैं स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पे, तो आने वाले टाइम में उनका कहना है कि अभी बहुत अच्छे लेवल पे तो नहीं है स्टार्टअप्स का सपोर्ट, बट ठीक है, यूनिवर्सिटी अब कुछ कुछ काम करना स्टार्ट कर रही है स्टार्टअप्स के फील्ड में भी। ठीक है, हॉस्टल जो है वो इन कैंपस है, जो गर्ल्स हॉस्टल है वो हॉस्टल आपका गलगोटिया कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल नहीं अवेलेबल है। तो ये रहा एक ओवरऑल फीडबैक, हमने बच्चों से समझने की कोशिश की कि क्या उनका ये फर्स्ट चॉइस था। बच्चों का फीडबैक मिला वो ये है कि पहले उन्होंने कोशिश की थी, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी ये था कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो टीयर वन कॉलेजेस हैं उनमें उनको एडमिशन मिल जाए, उसके बाद उन्होंने इसको कंसिडर किया। तो आप भी देख सकते हो, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये एक हमने कोशिश की कि आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दे पाएँ ओवरऑल रिव्यू के टर्म्स में। स्टिल अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अभी भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिसपे हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली हम इंटरेक्ट करें और उनसे भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ले पाएं, तो स्टिल अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप डेफिनेटली हमें कॉल बैक कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे के सारे डाउट्स को रिजॉल्व किया जाए। तो ये रहा एक रिव्यू वीडियो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। कैंपस अच्छा है ओवरऑल। कनेक्टिविटी की बात अगर मैं करूँ तो कनेक्टिविटी के लिए ये आपका एक धनकौर गाँव पड़ता है यहाँ पे, इसके पीछे ही वो इलाका है ये, एक बार आप दिखाएं अगर सिद्धार्थ, तो रोड पे ही है कॉलेज। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पे उतरना होता है, वहाँ से आपको कैब्स मिल जाती हैं डायरेक्टली। ये कैब्स खड़ी हैं यहाँ पे, ये ऑटोज भी खड़ी हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि या तो आप ग्रेटर नोएडा में रह रहे हो परी चौक के आसपास या नॉलेज पार्क के आसपास, तो वहाँ से आपको ऑटोज फ्रिक्वेंटली मिलती रहती हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो वहाँ से आप बोटैनिकल मेट्रो स्टेशन आ सकते हो, बोटैनिकल से आपको यहाँ कैब्स मिल जाती हैं, जाने के लिए भी डायरेक्टली कैब्स मिल जाती हैं और आने के लिए भी आपको कैब्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। एडमिशन के लिए आपको डोनेशन नहीं देना है किसी को भी, एक रुपये यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या हम अपना नंबर भी आपको दे शेयर कर देंगे, आप उससे भी डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।